हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम CBSE बोर्ड के क्लास 11th के इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को स्टडी करेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को लिखा है खुशवंत सिंह ने। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट चित्र, शब्द चित्र, ऑफ अ लेडी एक महिला का। तो ये जो स्टोरी है इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी जी के बारे में बताया है कि जब वो छोटे थे तो किस तरह से दादी उनका ख्याल रखती थी और धीरे धीरे जैसे वो समय के साथ बड़े हुए तो उनका रिलेशन अपनी दादी के साथ किस तरह से बदलता चला गया। तो इस स्टोरी में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में बहुत ही बारीकी से वर्णन किया है। इतना अच्छा वर्णन किया है जिससे हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम खुशवंत सिंह जी की दादी को साक्षात देख रहे हैं, वो हमारे सामने हो। इतने अच्छे तरीके से खुशवंत सिंह ने अपनी दादी जी का वर्णन इस स्टोरी में किया है। तो आइए अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, लाइक तरह एवरीबडीज हर किसी की ग्रैंडमदर दादी। मेरी दादी दूसरों की दादी की तरह ही वॉज थी एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला। जैसे सबकी दादियाँ मोस्टली हुआ करती हैं, दादी के शब्द से ही हमारे दिमाग में एक बूढ़ी महिला का चित्र उभर कर आता है। तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मेरी दादी भी दूसरी दादियों की तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी एंड रिंकल्ड झुर्रीदार चेहरे वाली, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से दैट जो आई हैड नोन, मैं उन्हें जानता था। देखिए, पिछले 20 सालों से खुशवंत सिंह जी अपनी दादी को जानते थे और 20 सालों से ही वो उनके झुर्रियों वाले चेहरे को देख रहे थे। पीपल सैड, लोग सैड कहते थे दैट कि शी हैड वंस बीन यंग, यानी कि कभी, एक बार, यानी कि किसी बीते हुए समय में वो युवा हुआ करती थी, यानी कि वो जवान हुआ करती थी एंड प्रेटी, और सुंदर हुआ करती थी। कि लोग उनकी दादी के बारे में कहते हैं कि जब वो जवान थी तो वो सुंदर हुआ करती थी, लेकिन खुशवंत सिंह जी जो अपने बचपन से अपनी दादी को देख रहे हैं वो उन्हें उस समय से बूढ़ा ही देख रहे हैं। उन्होंने अपनी दादी को जवान और खूबसूरत नहीं देखा है। एंड इवन, और यहाँ तक कि हैड ए हस्बैंड, उनका एक पति भी था। यानी कि लोग कहते हैं कि उनकी दादी कभी जवान हुआ करती थी और उनके पति भी थे। इसका मतलब है कि अब वो नहीं है, किसी समय में हुआ करते थे। बट लेकिन दैट वॉज हार्ड, यह मुश्किल था टू बिलीव, विश्वास करना मुश्किल था। क्या कि वो किसी ज़माने में जवान और सुंदर थी, क्योंकि ये पिछले 20 सालों से उनको ऐसे ही बूढ़ी औरत के रूप में देख रहे थे। माई ग्रैंडफादर्स, मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट, तस्वीर, हंग अबाउट, टंगी हुई थी द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। इन द ड्राइंग रूम, बैठक में, जो ड्राइंग रूम होता है उसमें उनके दादाजी की जो तस्वीर थी वो टंगी हुई थी। वोर, उन्होंने पहना हुआ था अ बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, ढीले फिटिंग वाले कपड़े। उन्होंने उस तस्वीर में पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी कवर्ड, ढकती थी बेस्ट पार्ट, यानी कि सबसे अच्छा भाग ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने का। यानी जो सरदार जी होते हैं जो पगड़ी पहनते हैं और इनकी लंबी दाढ़ी होती है तो वो उनके सीने के अधिकतर भाग को ढक लेती है। तो अपने दादाजी की जो तस्वीर लेखक ने देखी है, जो दीवार पर लगी हुई, तो उस तस्वीर में उनकी एक लंबी सी दाढ़ी है, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है और उनकी लंबी दाढ़ी जो है वो उनके सीने के अधिकांश भाग को ढक रही थी। एंड वह लुक्ड, दिखाई दे रहे थे एटलीस्ट, कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल के बूढ़े। यानी कि उनके दादाजी की जो तस्वीर थी उस तस्वीर में वो एक 100 साल के आदमी की तरह नज़र आ रहे थे। वह डिड नॉट लुक, नज़र नहीं आ रहे थे या दिख नहीं रहे थे द सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस प्रकार के व्यक्ति, हु वुड हैव अ वाइफ, हु जिसकी वुड हैव अ वाइफ, एक पत्नी होगी,
और चिल्ड्रन या बच्चे होंगे। यानी 100 साल के व्यक्ति की कल्पना जब हम करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा होता है, और हम उसके पत्नी और बच्चों वाले परिवार की कल्पना नहीं करते, बल्कि ही लुक्ड, वो दिख रहे थे एज इफ, जैसे कि ही कुड ओनली हैव, उनके केवल हो सकते हैं लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत सारे पोते पोतियाँ। यानी कि वो इतनी ज़्यादा उम्र के नज़र आ रहे थे कि ऐसा लगता था कि वो तो दादा परदादा की उम्र के हो गए होंगे और उनके बहुत सारे पोती पोतियाँ होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसे कि मेरी दादी के लिए, बींग यंग एंड प्रेटी, युवा और सुंदर होना, द थॉट वॉज यह विचार ऑलमोस्ट लगभग, रिवोल्टिंग होता है अरुचिकर, जो अच्छा ना लगे, क्योंकि बूढ़े आदमी को देखकर ये कल्पना करना कि वो कभी जवान और सुंदर होगा, ये थोड़ा सा अजीब है। तो ऐसे ही वो कल्पना करते हैं कि ये कल्पना कर पाना कि कभी मेरी दादी भी सुंदर और जवान हुआ करती थी, ये लगभग एकदम घृणा करने वाला या फिर घिनौना या अरुचिकर विचार लगता है कि इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो कभी सुंदर हो भी सकता है। She often told us, हमें सुनाती थी या बताती थी of the games, खेलों के बारे में, she used to play, वो खेला करती थी, कि वह अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो वो खेला करती थी as a child, एक बच्चे की तरह, नहीं जब वो बच्ची थी तो वो क्या खेल खेला करती थी वो हमें बताया करती थी। That seemed quite absurd, बिल्कुल घृणित या घृणा करने योग्य, एंड अनडिग्निफाइड, अशोभनीय ऑन हर पार्ट, उनकी ओर से, कि वो जो खेलों के बारे में बताया करती थी कि जब उनकी दादी छोटी थी तो वो किस तरह के खेल खेलती थी, ये खेल इन बच्चों को, यानी कि जो खुशवंत सिंह जी हैं, इन्हें बिल्कुल भी अशोभनीय लगते थे, यानी कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। वी ट्रीटेड इट, हम उसके साथ व्यवहार करते थे या जो वो बताती थी उस बात को, लाइक द फेबल्स, किस्से कहानियों की तरह, फेबल्स जो काल्पनिक कहानियाँ होते हैं जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता, ऑफ द प्रोफेट्स, पुजारी है जो कहानी सुनाने वाले लोग होते हैं, भविष्यवेत्ता होते हैं, शी यूज टू टेल अस, हमें सुनाया करते थे, यानी कि अपनी दादी की बातों को लेखक ऐसे मानते थे जैसे कि कोई मनगढ़ंत बात हो, यानी कि उनकी दादी के बचपन के खेलों को लेखक मनगढ़ंत मानते थे, उन्हें असली या वास्तविक नहीं मानते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वह हमेशा से रही थी शॉर्ट, छोटी, एंड फैट, मोटी, यानी कि जब से लेखक उन्हें देख रहे थे बचपन से, तभी से वो हमेशा उन्हें छोटी और मोटी लगती थी, एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी हल्की सी बेंट झुकी हुई। यानी दादी की जो एक इमेज होती है मोस्टली कि बहुत बूढ़ी होती हैं, तो जो खुशवंत सिंह जी की दादी थी वो छोटी मोटी और कद में थोड़ी सी कमर से झुकी हुई थी। हर फेस, उनका चेहरा, वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, झुर्रियाँ, क्रिस क्रॉस मीन्स होता है आड़ी तिरछी लकीरें, यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ होती हैं, उनमें से कुछ लाइनें सीधी होती हैं, कुछ लाइनें गिरी हुई होती हैं, तो जिस तरह से क्रिस क्रॉस यानी कि काट पीट वाली लाइनें होती हैं, तो उनके चेहरे पर झुर्रियों से क्रिस क्रॉस बना हुआ था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, रनिंग, दौड़ता हुआ एवरीवेयर, हर जगह, यानी कि उनके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और झुर्रियों के रूप में, क्रिस क्रॉस के रूप में रेखाएँ पूरे चेहरे पर नज़र आती थी। एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से हर जगह तक, यानी कि पूरे चेहरे पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक हर जगह लाइनें ही लाइनें दिखाई देती थी। नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे, शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा ऐसी थी, एज वी हैड नोन हर, जैसी हम उन्हें जानते हैं। तो इस बात पर वो बिल्कुल यकीन नहीं करते थे कि वो कभी जवान थी, उन्हें तो सिर्फ यही लगता है जैसी वो आज नज़र आती है ऐसे ही वो पहले भी नज़र आती रही होंगी। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, टेरिबली खतरनाक होना, यानी कि बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन, कि वो
नहीं हो सकती थी ओल्डर, इससे ज़्यादा बूढ़ी, कि वो खतरनाक रूप से यानी अधिकतम रूप से बूढ़ी हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, एंड और हैड स्टेड रह चुकी थी एट द सेम एज उसी आयु में फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों तक, यानी कि वो दादी जैसी उन्हें नज़र आ रही थी अपने बचपन में, अगले 20 सालों तक भी वो सेम बिल्कुल वैसे की वैसे ही नज़र आती रही। शी कुड नेवर हैव बीन प्रटी, शी वह नेवर हैव बीन प्रटी, कभी भी नहीं हो सकती थी सुंदर, यानी कि वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, शी वह हमेशा सुंदर लगती थी, यानी कि वो हमेशा अच्छी लगती थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, शी वह हॉबल्ड अबाउट, हॉबल्ड होता है लंगड़ा कर चलना, जैसे जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनके पैरों में बैलेंसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो लंगड़ा कर चलती थी अबाउट द हाउस, घर में इधर उधर, इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट बेदाग सफ़ेद कपड़ों में, क्योंकि वो दादी थी और विधवा थी, क्योंकि उनके हस्बैंड अब नहीं थे तो सफ़ेद कपड़े पहनती थी, लेकिन उस पर कहीं कोई भी दाग नहीं होता था, तो वो सफ़ेद कपड़ों में पूरे घर में लंगड़ाती हुई चलती थी, विद वन हैंड एक हाथ के साथ रेस्टिंग टिकाए हुए ऑन हर वेस्ट अपने कमर पर, टू बैलेंस हर उनका संतुलन बनाने के लिए, स्टूप एंड द अदर टेलिंग, बैलेंसर स्टूप मीन्स अपनी चाल का संतुलन बनाने के लिए उनका एक हाथ हमेशा उनकी कमर पर होता था, एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरा टेलिंग द बीड्स, बीड्स मोतियों की माला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो टेल बोलना बीड्स मोतियों को ऑफ अ रोजरी, रोजरी होती है कंठी, जो माला सुमिरनी जिसे बोलते हैं, जो बूढ़ी महिला होती हैं, जो कहते हैं बुजुर्ग होने के बाद राम का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, तो उनके हाथ में एक लकड़ी के या रुद्राक्ष के छोटे छोटे मोतियों की माला होती है जिसको वो जपते रहते हैं और ईश्वर का नाम लेती रहती हैं, तो उनका एक हाथ हमेशा कमर पर होता था और उनका दूसरा हाथ उनकी रोज़री यानी कि जो माला होती है उस पर रहता था, और उसके साथ साथ वो नाम बोलती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, हर उनके सिल्वर लॉक्स, सिल्वर चांदी होता है लेकिन यहाँ सिल्वर का मतलब उनके सफ़ेद लॉक्स यानी कि बालों के गुच्छे, तो उनके सफ़ेद लटें थी, वर स्कैटर्ड फैली रहती थी अनटाइडली ओवर हर फेस, ओवर हर पेल पकर्ड फेस, ओवर मीन्स ऊपर, अनटाइडली मीन्स जो साफ नहीं होता यानी कि गंदा, हर पेल उनके पीले पकर्ड फेस, पकर्ड फेस मीन्स होता है जैसे पिलपिला, जिस जो हार्ड नहीं होता है, जो बहुत ही ज़्यादा जैसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं उस पर बहुत सारी जो लाइंस बनी रहती हैं, तो झुर्रीदार जो चेहरा होता है, तो उनके जो चांदी जैसे बाल यानी कि जो सफ़ेद बाल थे जो अच्छी तरह से बंधे हुए नहीं होते थे, वो उनके चेहरे पर झुर्रीदार पीले चेहरे पर फैले रहते थे। एंड हर लिप्स, और उनके ओंठ कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड हिलते रहते थे इन इनऑडिबल, इनऑडिबल जो सुनाई ना दे, बिल्कुल धीमा बोलती थी लेकिन इतना धीमा बोलती थी कि मैं सुनाई नहीं देता था, तो इनऑडिबल प्रेयर ना सुनने वाली प्रार्थना, कि उनके होंठ हमेशा ना सुनाई देने वाली प्रार्थना को बोलते रहते थे। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, शी वॉज लाइक, वो थी विंटर सर्दियों के लैंडस्केप मीन्स होते दृश्य चित्रण, दृश्य चित्रण जैसा आपको सामने का दृश्य दिखाई देता है प्राकृतिक दृश्य, कहाँ का, इन द माउंटेन्स पहाड़ों में, जैसे सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ़ जमी रहती है तो वो सफ़ेद रंग का जो चित्र दिखाई देता है पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ का, तो अपनी दादी को देखकर उन्हें उसी तरह के चित्र की याद आती है, क्योंकि वो सफ़ेद कपड़े पहनती थी, उनका कलर फेयर था, उनके बाल भी सफ़ेद थे, तो ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई एक सर्दियों के पहाड़ों का चित्र हो। एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक्सपेंस फैलाव, प्योर शुद्ध सफ़ेद सेरेनिटी, सेरेनिटी मीन्स शांति स्थिरता, जिस तरह से
सफ़ेद बर्फ़ के पहाड़ को देखकर शांति महसूस होती है, उसी प्रकार लेखक को अपनी दादी को देखकर शांति महसूस होती थी। तो उनकी अपनी दादी की तुलना लेखक ने पहाड़ के चित्र के साथ की है, जो शांति और संतुष्टि का प्रतीक था और ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ऐसा लगता था जैसे शांति और संतोष एक फोटो के रूप में या एक तस्वीर के रूप में सांस ले रहा। माई ग्रैंडमदर एंड आई, माई ग्रैंडमदर, मेरी दादी एंड आई और मैं वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता ने लेफ्ट मी, लेफ्ट छोड़ दिया, मी मुझे छोड़ दिया, विद हर, उनके साथ, वैन, जब, दे वेंट, वे गए, टू लिव, रहने, इन द सिटी, शहर में। जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया। एंड और वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, वी हम वर थे, कॉन्स्टेंटली लगातार, टुगेदर साथ साथ, हम लगातार साथ साथ थे, क्योंकि जो पेरेंट्स थे वो जा चुके थे तो अब वो अपनी दादी के साथ थे, तो उनका सारा का सारा समय अपनी दादी के साथ ही गुजरता था। शी यूज टू वेक मी अप, शी वह यूज टू वेक मी अप, मुझे उठाया करती थी, इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड गेट मी रेडी, मुझे तैयार करती थी, फॉर स्कूल विद्यालय के लिए, वो सुबह मुझे उठाती थी और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करती थी। शी शेड, वो कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की आरती, इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, गाते हुए गीत के रूप में, वह अपनी सुबह की आरती एक गीत के रूप में करती थी। वाइल जबकि शी बैथ्ड एंड ड्रेस्ड मी, वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, गेट टू नो इट बाय हार्ट का मीन्स है उसे दिल से याद करना, कि जब वो मुझे नहलाती थी, मुझे तैयार करती थी, तो वो उस गीत को गुनगुनाती रहती थी इस उम्मीद में कि मैं उसे सुनूंगा और उसे दिल से याद कर लूँगा। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड, मुझे पसंद थी हर वॉइस, उनकी आवाज़, तो मैं उनके उस गुनगुनाए हुए गीत को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट लेकिन नेवर बॉदर टू लर्न इट, नेवर कभी नहीं, बॉदर्ड जहमत उठाना, टू लर्न सीखने का, इसको कि मैं उसे सुनता था क्योंकि मुझे अपनी दादी की आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने उसे कभी भी याद करने की जहमत नहीं उठाई। देन फिर शी वुड फैच, वो लाती थी, माई वुडन स्लेट, वुडन स्लेट लकड़ी की स्लेट, पुराने समय में बच्चों को, जब बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तो कॉपी पेंसिल नहीं हुआ करती थी, एक लकड़ी का तख्ता होता था जिसे तख्ती कहते थे, और जिसको मुल्तानी मिट्टी से लीप दिया जाता था, उस पर उसको गीला करके उस पर एक लेयर लगा दी जाती थी, और बच्चे कोयले से उस लकड़ी की तख्ती पर लिखा करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा पुराने समय की बात है, जब बच्चे स्कूल में पेंसिल कॉपी का यूज़ नहीं किया करते थे। तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब उन्हें तैयार कर देती थी, फिर वो उनके लिए उनकी लकड़ी की स्लेट लाती थी, विच, जिस पर शी हैड, वो ऑलरेडी पहले से ही वॉश्ड, धो चुकी होती थी, एंड प्लास्टर्ड, प्लास्टर्ड में उसके ऊपर एक लेयर लगाना, उसको पेंट कर देना, विथ येल्लो चौक, पीली चौक से, पीली खड़िया जिसे कहते हैं, अ टिनी अर्थर्न इंक पॉट, एक टाइनी, छोटा सा अर्थन, मिट्टी का इंक पॉट, इंक पॉट इंक का बर्तन जिसमें इंक होती थी, जिसमें लकड़ी की कलम को डुबाकर उस कलम से उस स्लेट पर लिखा जाता था, एंड अ रेड पेन, और एक लाल रंग की कलम, टाई देम, टाई उन्हें बांधती थी, इन ए बंडल, एक बंडल में, एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे पकड़ा देती थी, यानी कि मेरी दादी मेरी तख्ती, मेरी छोटी सी इंक पॉट, मेरी लाल रंग की कलम, इन सबको एक बंडल में बांधती थी और मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ, आफ्टर बाद में, अ ब्रेकफास्ट नाश्ता, नाश्ते के बाद में, ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, थिक मोटी, स्टेल बासी, चपाती रोटी, एक मोटी बासी रोटी, बासी रोटी होती जो तभी फ्रेश नहीं होती, जिसको या तो रात को बना के सुबह खाया जाता है या सुबह बना के रात को खाया जाता है, उसे बासी कहते हैं। तो जो मुझे एक मोटी बासी रोटी नाश्ते में देती थी, विद अ लिटिल बटर, थोड़े मक्खन,
एंड शुगर और चीनी स्प्रेड ऑन इट, उस पर फैलाकर नाश्ते के लिए देती थी। गांव में पहले काफ़ी पुराने समय में लोग जो सुबह जल्दी जिनको निकलना होता था तो उतने सुबह खाना, क्योंकि चूल्हे पर बनाया जाता था, इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार नहीं होता था, तो लोग खाने के लिए जो रात की पुरानी बची हुई रोटी होती थी उसे गर्म करके उसी पर बटर लगाकर उसके ऊपर शुगर स्प्रेड करके उसका रोल बनाकर वो नाश्ते में लोग यूज़ किया करते थे। तो मोस्टली बच्चों को बहुत पसंद भी होती थी क्योंकि वो मीठी लगती थी। तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते थे तो उनकी दादी उन्हें रात की बची हुई एक मोटी बासी रोटी पर मक्खन और चीनी लगाकर उसका रोल बनाकर उन्हें नाश्ते में खाने के लिए देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी, वह, कैरीड, ले जाती थी, सेवरल, बहुत सी, स्टेल चपातीज, बासी रोटियाँ, यानी एक वो उन्हें देती थी और उसके अलावा बहुत सी बासी रोटियाँ वो साथ में ले जाती थी। विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, क्योंकि वो बची हुई रोटियाँ होती थी तो फेंकने से अच्छा है कि वो जानवरों को दे दे, उनकी भूख मिट जाएगी। तो जब वो उन्हें छोड़ने के लिए स्कूल जाती थी उनको लेकर, तो वो जो बची हुई रोटियाँ होती थी उनको साथ में ले जाती थी ताकि वो गाँव के कुत्तों को दे सके। My grandmother always went to school with me. My grandmother, मेरी दादी always हमेशा went जाती थी to school, विद्यालय में, with me, मेरे साथ। मेरी दादी हमेशा विद्यालय मेरे साथ जाती थी because क्योंकि the school was attached to, विद्यालय attached मिला हुआ था to the temple, मंदिर से, कि विद्यालय के just side में मंदिर था। तो खुशवंत सिंह जी विद्यालय जाते थे, स्कूल जाते थे, और उनकी दादी मंदिर जाती थी। द प्रिस्ट, पुजारी, टॉट अस, हमें सिखाते थे, द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। तो पुजारी ही एक तरह से टीचर थे हमारे, और वो हमें वर्णमाला यानी जो लेटर्स होते हैं हिंदी के, और हमें प्रार्थना सिखाया करते थे। वाइल जबकि द चिल्ड्रन सेट द इन रोज, बच्चे पंक्ति में यानी कि सीरीज में बैठते थे, ऑन इधर साइड, एक और ऑफ द वरांडा, वरांडे के, वरांडा जो रूम के बाहर खाली स्पेस होता है, तो बच्चे लाइन लगाकर उस वरांडे में बैठते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला को गाते थे, और द प्रेयर या फिर प्रार्थना को, इन ए कोरस, कोरस ग्रुप में यानी कि मिलके एक साथ। तो बच्चे ग्रुप में वर्णमाला या फिर सुबह की जो प्रेयर थी उसे एक साथ गाते थे। माई grandmother, मेरी दादी, sat inside, अंदर बैठती थी, reading the scriptures, scriptures में शास्त्र, और मेरी दादी मंदिर में अंदर बैठकर शास्त्रों को पढ़ती थी। When we had both finished, when जब we both, हम दोनों finished, ख़त्म कर लेते थे, यानी कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी और मेरी दादी का शास्त्रों को पढ़ना ख़त्म हो जाता था, we would walk back, तो हम वापस लौटते थे together, साथ में। तो दादी छोड़ने के लिए जाती थी, पूरे टाइम वहीं रुकती थी, और स्कूल की छुट्टी होने पर उनको साथ में लेकर अपने साथ वापस लौटती थी। दे फॉलोड अस, दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, वुड मीट अस, हमें मिलते थे, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। जब वो वापस लौटने लगते थे तो मंदिर के दरवाजे पर गाँव के कुत्ते उन्हें मिलते थे। दे फॉलोड अस, दे, वे, फॉलोड अस, हमारा पीछा करते थे, टू आर होम, आर होम, हमारे घर तक, ये हमारे घर तक के रास्ते में वो हमारा पीछा करते थे। ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए, वी थ्रू, जो हम फेंकते थे, टू देम, उन पर। तो कुत्ते जो रास्ते में मिलते थे वो रास्ते में गुर्राते हुए और लड़ते हुए चलते थे क्योंकि वो उन रोटियों के लिए लड़ते थे जो रोटियां हम उनके लिए लाते थे और हम उन्हें देते थे। When my parents were comfortably settled, when, जब my parents, मेरे माता पिता, comfortably, आराम से, settled means स्थिर हो गए, यानी कि जहाँ पर उन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ पर सेटल कर ली, इन द सिटी, शहर में, दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलाया, यानी कि वो नए नए शहर में गए थे तो वहाँ पर जब सारी चीज़ें सेटल हो गई, घर मकान सारी चीज़ें जब इंसान सेटल कर लेता है तो फैमिली को अपने पास बुला लेता है। तो जैसे उनके माता पिता ने शहर में जाके सारी चीज़ें सेटल कर ली तो उन्होंने उन्हें भी अपने पास बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप,
दैट वॉज वो था अ टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ का बिंदु, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो इन आर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में, कि जो शहर, गांव से शहर लौटना जो था वो उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऑल दो यद्यपि वी शेयर्ड, हम बांटते थे सेम रूम, एक ही कमरा, यानी कि दादी और पोता वो दोनों एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, नो लॉन्गर मीन्स अब नहीं, केम टू स्कूल, विद्यालय आती थी विद मी, मेरे साथ, कि हालांकि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे लेकिन दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी विद्यालय में, इन्हें मोटर बस, एक मोटर बस यानी कि जो बसें चलती हैं स्कूल बस, तो अब मैं स्कूल बस में जाया करता था। जब वो गांव में रहते थे तो वो दादी के साथ जाते थे, लेकिन जब वो शहर में आ गए तो वो दादी के साथ नहीं जाते थे, वो स्कूल बस में अपने स्कूल जाते थे। देयर वर नो डॉग्स, वहाँ कोई कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, एंड शी और वह, शी यानी कि उनकी दादी, कि वो उन्हें आदत थी जानवरों को खाना खिलाने की, लेकिन अब जब शहरों में यहाँ कुत्ते नहीं होते थे तो टुक टू फीडिंग, वो खिलाने के लिए ले जाती थी स्पैरोज, स्पैरोज छोटी गौरैया चिड़िया होती है, इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे सिटी हाउस यानी कि शहर के मकान के कंट्री यार्ड, यानी जो खुला हुआ पोर्शन होता है वो वहाँ पर गौरैयाओं को खिलाने के लिए जाती थी। As the years rolled, as जैसे ही years rolled, साल गुजर गए, by we saw, हमने देखा, less of each other, एक दूसरे को कम, यानी कि जैसे ही साल गुजरते गए, वो जो खुशवंत सिंह जी थे जो पहले छोटे थे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो जैसे जैसे समय गुजरता गया उनका, उनकी दादी से जो संबंध था वो कम होता गया, उनका एक दूसरे से संपर्क कम होता गया। For some time, कुछ समय के लिए, She continued to wake me up. She continued, उन्होंने जारी रखा, to wake me up, मुझे उठाना, उन्होंने मुझे उठाना जारी रखा, and get me ready for school, और वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। When, जब, I came back, मैं वापस आया, या I came back, मैं वापस आता था, She would ask me, वो मुझसे पूछती थी, What the teacher had taught me, what, क्या the teacher had taught, टीचर ने मुझे पढ़ाया है, कि मेरे स्कूल में मेरे जो शिक्षक हैं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर, तो मैं उन्हें बताता था, इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स, छोटी चीज़ें, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पाश्चात्य विज्ञान की, इनकी पश्चिमी विज्ञान की कुछ चीज़ें, एंड लर्निंग और शिक्षा, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का नियम यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी का या संसार का गोल होना आदि। यानी जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो दादी पूछती हैं आज स्कूल में क्या सीखा, तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं शुरू शुरू में तो मेरी दादी मुझे उठाती थी, मुझे तैयार भी करवाती थी, और जब मैं स्कूल से आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि मैंने वहाँ पे क्या क्या सीखा, तो मैं उन्हें जवाब देता था कि मैंने वहाँ पे इंग्लिश के शब्द सीखे, मैंने साइंस की बातें सीखी, दुनिया गोल है इस बारे में, गुरुत्वाकर्षण का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत, मैंने ये सारी चीज़ें उनको बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस यह मेड कर देता था हर उनको अनहैप्पी, दुखी, या उन्हें दुखी कर देता था, कि उन्हें ये सारी चीज़ें समझ तो आती नहीं थी क्योंकि उन्हें तो शास्त्रों वगैरह क्या ही ज्ञान था, मॉडर्न साइंस वगैरह के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। तो शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, शी कुड नॉट हेल्प, वो मदद नहीं कर सकती थी, विद माई लेसन, मेरे पाठ में, यानी कि जब बच्चे होमवर्क करते हैं उन्हें बड़ों के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो जब वो स्टडी करते थे घर पे आकर तो वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स, चीज़ों में, दे टॉट, जो वे पढ़ाते थे, एट द इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी विद्यालय में, अंग्रेजी विद्यालय में जो चीज़ें सिखाई जाती थी, साइंस की जो चीज़ें बताई जाती थी, वो उन पर विश्वास नहीं करती थी, एंड वॉज डिस्प्रेस्ड, और चिंतित हो जाती थी, दैट की देयर वॉज नो टीचिंग, वहाँ कोई शिक्षा नहीं है, अबाउट गॉड, भगवान के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के बारे में। तो उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जिस स्कूल में मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ वहाँ पर भगवान के बारे में और
देवी देवताओं शास्त्रों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। वन डे एक दिन आई अनाउंस्ड मैंने घोषणा की दैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन कि वी वर बींग गिवन हमें दिए जा रहे हैं म्यूजिक लेसन संगीत के पाठ कि हमें स्कूल में संगीत भी सिखाया जा रहा है। एक दिन मैंने घर आकर ये बताया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड वो बहुत परेशान हो गई। टू हर उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस म्यूजिक संगीत का ल्यूड एसोसिएशन मीन्स भद्दा या अशिष्ट एसोसिएशन में साहचर्य संबंध होता है कि जो लोग संगीत सुनते हैं संगीत की जो संगति है वो बुरी होती है ये अच्छी नहीं होती है। इट वॉज द मोनोपोली ये एकाधिकार है ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स भिखारियों और वैश्याओं का एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फ्लॉक और ये सभ्य और सज्जन लोगों के लिए नहीं है। इनकी नाच गाना करना जो होता है या भिखारी और वैश्याओं का काम होता है ये पढ़े लिखे अच्छे घर के लोगों के लिए नहीं होता है। तो जब दादी को पता चला कि हमें स्कूल में गाना या म्यूजिक सिखाया जाता है तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। शी सैड नथिंग उन्होंने कुछ भी नहीं कहा बट लेकिन हर साइलेंस उनकी चुप्पी ने मीन्ट डिसअप्रूवल मीन यानी कि उनकी जो चुप्पी थी वो बिल्कुल चुप हो गई उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जिसका मतलब था उनका डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल मीन्स ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी नामंजूर थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट शी उन्होंने रेयरली मुश्किल से ही टॉक्ड टू मी मुझसे बात की आफ्टर दैट उसके बाद उन्होंने मुश्किल से ही उसके बाद मुझसे बात की यानी कि जब से मुझे स्कूल में संगीत सिखाया जाने लगा उन्होंने मुझसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। When I went up to university, विश्वविद्यालय में गया I was given a room, मुझे दिया गया a room, एक कमरा of my own, मेरा खुद का यानी कि जब बच्चे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाने लगते हैं तो उन्हें उनका खुद का कमरा दिया जाता है। The common link of friendship was snapped. Common link, एक कॉमन लिंक यानी कि दोनों के बीच की जो कड़ी होती है वो फ्रेंडशिप दोस्ती का वाज स्नैप वो सिर्फ तस्वीरें होती थी यानी जब वो वहाँ से चले गए बाहर जाकर पढ़ने लगे तो उन दोनों की जो दोस्ती थी पहले जो एक ही कमरे में रहा करते थे वो भी टूट गई अब उन्हें अलग से कमरा मिल गया तो उनके बीच की दोस्ती का जो लिंक रह गया था वो सिर्फ कुछ तस्वीरें ही रह गई थी। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी एक्सेप्टेड उन्होंने स्वीकार कर लिया हर सेक्लूजन अपना अकेलापन कि वो सिर्फ पोते के साथ ही समय व्यतीत करती थी परिवार के बाकी लोगों से उनका उतना ज़्यादा संपर्क नहीं था और जब भी पढ़ने के लिए बाहर चला गया तो वो अकेली हो गई और इन्होंने उसे विद रेजिग्नेशन यानी कि रेजिग्नेशन के साथ उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया यानी अपने इस्तीफे के साथ यानी कि अनचाहे ढंग से उन्होंने उस अकेलेपन को स्वीकार कर लिया क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। शी रेयरली लेफ्ट शी वह रेयरली मुश्किल से ही लेफ्ट छोड़ती थी पर स्पिनिंग व्हील बुनाई करने वाला जैसे चरखा जिससे धागा बुना जाता था तो जो बुजुर्ग लोग होते थे वो अपने समय काटने के लिए धागा बुनाई का काम किया करते थे घर में तो वो अकेली रहती थी उन्हें अच्छा नहीं लगता था तो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए वो चरखा काटती थी और अपना जो सारा समय है वो उसी में लगा देती थी। टू टॉक टू एनी वन किसी और से बात करने के लिए कि वो मुश्किल से ही अपने चरखे को छोड़ती थी किसी और से बात करने के लिए वो पूरा समय अपने चरखे में ही लगी रहती है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सनराइज सूर्योदय से सूर्यास्त तक यानी कि सुबह से लेकर शाम तक शी सैट बाय हर व्हील वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी स्पिनिंग बुनती रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स और भजन गाती रहती थी। Only in the afternoon, only केवल in afternoon दोपहर में she relaxed वो आराम करती थी for a while थोड़ी देर के लिए to feed the sparrows गौरैया चिड़ियाओं को खाना खिलाने के लिए कि दोपहर में सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए उठती थी जब वो गौरैयों को खाना डालती थी और उसी समय वो थोड़ा आराम करती थी। While she sat जब वो बैठती थी in the वरांदे में breaking the ब्रेड को तोड़ती हुई इंटू लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो बरांडे में रोटी के टुकड़ों को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बैठती थी हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स सैकड़ों छोटी चिड़ियाएँ गौरैया चिड़ियाएँ
कलेक्टेड जमा हो जाती थी राउंड हर, उनके चारों ओर क्रिएटिंग बनाते हुए ए वेरिटेबल बेडलैम। वेरिटेबल बेडलैम मीन्स एक झुंड या फिर हंगामा या अव्यवस्था, यानी कि बहुत सारी चिड़ियाएँ जब एक साथ जमा हो जाती हैं तो वहाँ पर अव्यवस्था हो जाती है। तो जब वो बरामदे में रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बैठ जाती थी, तो उस समय दोपहर के समय सैकड़ों गौरैया चिड़िया जो होती हैं उनके आसपास जमा होकर अव्यवस्था करती थी। बेडलम ऑफ चिरपिंग्स मीन्स उनकी चहचहाहट से, यानी कि जो घर में सन्नाटा फैला रहता था, अकेलापन रहता था, थोड़ी देर के लिए वो चिड़ियों की चहचहाहट से अव्यवस्था उत्पन्न कर देता था। सम केम, कुछ आती थी एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, और उनके पैरों पर बैठ जाती थी, यानी कि कुछ चिड़िया आती थी और वो हमेशा उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स, दूसरी ऑन हर शोल्डर्स, उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम, कुछ इवन, यहाँ तक कि सेट ऑन हर हेड, उनके सिर पर भी बैठ जाती थी, यानी कि जैसे वो पैर फैलाकर बैठी होती थी तो कोई चिड़िया उनके सिर पर बैठ जाती थी, कोई उनके कंधों पर बैठ जाती थी, कोई उनके पैरों पर बैठ जाती थी, जिसको जहाँ स्पेस मिलता था वो वहीं पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट लेकिन नेवर शू देम अवे, नेवर, कभी नहीं, शू देम अवे मीन्स भगा देना। वह उन चिड़ियाओं को देखकर मुस्कुराती थी लेकिन वह उन्हें कभी भी नहीं भगाती थी, चाहे वो उनके शरीर के किसी भी भाग पर क्यों ना बैठ जाए, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहती थी, सिर्फ चिड़िया ही थी जिससे उन्हें थोड़ा बहुत प्यार मिलता था, और वो चिड़िया भी उन्हें बहुत प्यार करती थी क्योंकि रोज़ वो उन्हें रोटी खिलाती थी। तो वो उन चिड़ियाओं को कभी भी नहीं भगाती थी, चाहे वो कितना भी शोर क्यों ना करें। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट, इट यूज़ टू बी, यह हुआ करता था हैप्पीएस्ट, सबसे ज़्यादा खुशी का, हाफ आवर, आधा घंटा, ऑफ द डे, दिन का, फोर हर, उनके लिए यह दिन का आधा घंटा उनके लिए सबसे अधिक खुशी वाला होता था, क्योंकि सिर्फ इसी आधे घंटे में वो किसी के संपर्क में आती थी और जिससे उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। ये इस स्टोरी के आधा पार्ट हैं स्टूडेंट्स, आधा पार्ट हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।